स्टेम सेल ट्रीटमेंट फॉर HIV। स्टेम सेल हमारी बॉडी का वो सेल है जिसके कारण बाकी कोशिकाएं भी विकसित होने लगती हैं। जब स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होता है तो कैंसर के सेल का विकास भी रुक जाता है और कोशिकाएं भी खत्म हो जाती हैं। HIV से लड़ने के लिए वैक्सीन UK पेटेंट फ्री फॉर HIV कुछ समय पहले लंदन का एक मरीज इस बीमारी से मुक्त हुआ। रिपोर्ट के अनुसार उसने स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करवाया जिसके बाद उसके शरीर में मौजूद एड्स का वायरस खत्म हो गया। यह खबर उन सभी मरीजों के लिए एक खुशखबरी है जो एड्स से ग्रसित हैं। लगभग 12 साल पहले ऐसी एक खबर आई थी, बली में एक एड्स के मरीज की इसी प्रकार इलाज हुई थी जिसके बाद उसे एड्स मुक्त करार दिया गया था। हालांकि वैज्ञानिक ने यह बात साफ कही है कि अब इस बात का कहना गलत है कि एड्स के वायरस को खत्म करने के लिए इलाज की खोज की गई है। हाँ, लेकिन एक बात साफ हो गई है कि इस घटना से डॉक्टरों को काफी प्रेरणा मिली है। UNAIDS के अनुसार 2017 में 3.6 मिलियन लोग एड्स के शिकार हुए थे जिसमें से 18 लाख 15 साल से उम्र के कम बच्चे थे। ये बच्चे अफ्रीकी महाद्वीप के इलाकों में रहते थे। 2015 में भारत में लगभग 21 लाख लोग एड्स के शिकार हुए थे, पर लंदन की इस मरीज की घटना एड्स वायरस से मुक्त होने की पहली घटना नहीं है। लगभग 12 साल पहले एक ऐसी घटना सामने आई थी और वैज्ञानिकों ने तब से एड्स के वायरस को खत्म करने की खोज शुरू कर दी है। वैज्ञानिकों ने एड्स के वायरस को मुक्त खत्म करने के लिए पूरी पुष्टि की है, लेकिन इन दोनों मरीजों में एक खास बात यह थी कि दोनों कैंसर के शिकार हो गए थे। यह एड्स के मरीजों के लिए एक आम समस्या होती है। इन दोनों मरीजों ने कैंसर के इलाज के लिए स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट करवाया था। स्टेम सेल्स हमारी बॉडी का वो सेल्स है जिसके कारण बाकी कोशिकाएं भी विकसित होने लगती हैं। जब स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट होता है तो कैंसर के सेल का विकास भी रुक जाता है और कोशिकाएं भी खत्म हो जाती हैं। यह सेल्स आखिर काम कैसे करता है? CCR5 HIV-1 द्वारा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला रिसेप्टर है। HIV का वायरस दुनिया भर में हावी है। यह कोशिकाओं में प्रवेश करने के लिए तैयार है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को HIV के प्रतिरोधी हैं जिनके पास CCR5 रिसेप्टर की दो उपलब्धियां प्राप्तियां हैं। और यह इसका मतलब यह है कि यह वायरस शरीर में कोशिकाओं को प्रवेश नहीं करता कि यह समान रूप से संक्रमित कर देता है। जब किसी व्यक्ति को पहली बार HIV का संक्रमण होता है तो यह तेजी से फैलता है और पूरे शरीर की कोशिकाओं को संक्रमित कर देता है। उसके बाद वायरस DNA के भीतर छुप जाता है जहाँ उसे छुपाया नहीं जा सकता। लेकिन अब ऐसी प्रतियोगी दवाएं मौजूद हैं जो वायरस को शरीर से बाहर निकाल सकती हैं और उसे बेअसर करती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगर यह दवा 60% कारगर साबित होती है तो HIV पीड़ित लोगों को वायरस से काफी निजात मिलेगी। फिलहाल इस नई दवा का परीक्षण किया जा रहा है जिसके परिणाम 2021 तक मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना कि HIV की यह दवा कितनी कारगर साबित हो रही है और क्या हम इसे HIV को फ्यूचर में कंट्रोल भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, बाय।